इस पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। क्योंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगों के छद्म वेश में की थी, यानी भिखारी बनकर की थी। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले, जब फ्री क्लिपों का रास्ता नहीं बना था, तो नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोग के साथ साथ भारत के लोग भी जाते थे। यह रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था, इसलिए इसे लेखक ने मुख्य रास्ता बताया है। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं उठता और वहाँ औरतें पर्दा नहीं डालती हैं। चोरी की आशंका के कारण भिखमंगों को कोई घर में घुसने नहीं देता है, तो अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं और ज़रूरत के अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते हैं। घर की बहू अथवा सास उसे आपके लिए पका देगी। परित्यक्त चीनी किले से जब वह चले, तो एक व्यक्ति को दो चिटे राहदारी देकर थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहां सुमति मंगोल भिक्षु राहुल का दोस्त पहचान तथा भिखारी होने के कारण रहने को अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद वे लोग इसी रास्ते से लौटे थे, तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और गरीब की झोपड़ी में रहना पड़ा था, क्योंकि वे भिखारी नहीं बल्कि भद्र यात्री के वेश में थे। अगले दिन राहुल जी और सुमति को एक विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। 16-17 हजार फीट ऊंची होने के कारण दोनों ओर गांवों का कोई नामो निशान नहीं था। डाकुओं की छिपने की जगह तथा सरकार की नरमी के कारण यहां अक्सर खून हो जाते थे, लूटपाट हो जाती थी। चूंकि वे लोग भिखारी के बेस में थी, इसलिए उन्हें हत्या का कोई डर नहीं था, परंतु ऊंचाई का डर बना हुआ था। दूसरे दिन उन्होंने डांडे की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिण पूर्व और बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे तथा उत्तर की ओर पहाड़ों पर कुछ बर्फ दिखी। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगा और वे बाईं की ओर 1.5 मील आगे चल दिए। बाद में पूछकर पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिनी की तरफ तथा, जिससे लेखक को देर हो गई और सुमति नाराज हो गई, लेकिन उनका गुस्सा बहुत जल्दी ठंडा हो गया। वे लंकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे। वे अब तिंगरी के मैदान में थे, जो कि पहाड़ों से घिरा टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी, जिसका नाम तिगरी समाधि गिरी था। आसपास के गांव में सुमति के बहुत से परिचित थे, वे उनसे जाकर मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लहासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। वे पीठ पे अपना सामान लादे और हाथ में डंडे लिए वे चल रहे थे। सुमति एक और तो अपने यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना बनाकर शेखर बिहार की ओर चलने को कहा। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथ में बटी है। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती भी करता है, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते हैं। लेखक शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु से मिले। वहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थी, जिसे लेखक पढ़ने में लग गए। इसी दौरान सुमति ने आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसे लेखक ने मान लिया। दोपहर तक सुमति वापस आ गई। क्योंकि तिंगरी वहां से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और उनसे विदा लेकर चल दिए।
सुमति का परिचय। वह लेखक को यात्रा के दौरान मिला जो एक मंगोल भिक्षुक था। उनका नाम लोम्ब्सेक था, इसलिए इसका अर्थ है सुमति प्रज्ञ। अतः सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमति के नाम से पुकारा। अब बात करते हैं लेखक की। लेखक इसके हैं राहुल सांकृत्यायन। इनका जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंधा जिला आदमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। इनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई थी। सन 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। सन 1963 में इनका देहांत हुआ था। इन्होंने जो कार्य किए थे उसमें मेरी जीवन यात्रा, छह भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलाम और घुमक्कड़ शास्त्र। कठिन शब्दों के अर्थ कर लेते हैं। डंडा का मीनिंग है ऊंची जमीन। थोंगला तिब्बत सीमा का एक स्थान है। भीटे तीले के आकार का ऊंचा स्थान है। कंडे गाय के गोबर से बने हुए उपलों को कहते हैं। थुक्पा सत्तू या चावल के साथ मूली हड्डी और मांस के साथ पतली लेड़ के तरह पकाया गया एक खाद्य पदार्थ होता है। गंडा मात्र मंत्र पढ़कर बनाया हुआ धागा जिसमें कपड़ा होता है उसे गंडा कहते हैं। भरिया भारवाहक यानी बोझा उठाने वाला। दैनिक वस्तु स्पेनिश उपन्यासकार सार्वेंटेज के उपन्यास डॉन क्विक्जोट का नायक। इसके मुख्य प्रश्नोत्तर मैं बता देती हूँ आपको। इसमें पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी ओर यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला, क्यों? इसका उत्तर है, लेखक के मित्र सुमति की यहाँ के लोगों से जान पहचान होने के कारण भिखमंगों के वेश में रहने के बावजूद भी उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल चुकी थी, जबकि दूसरी यात्रा के समय जानकारी ना होने के कारण भद्रयात्री के वेश में आने पर भी उन्हें रहने के लिए उचित स्थान नहीं मिला। उन्हें गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरने को स्थान मिला। ऐसा होना बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है, क्योंकि शाम के वक्त छम पीकर बहुत कम हो सवास को दुरुस्त रख पाते हैं। प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उत्तर है, तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण उस समय यात्रियों को डाकुओं से मारे जाने का खतरा रहता था। प्रश्न है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? उत्तर है, लंकोर के मार्ग में लेखक का घोड़ा थक कर धीमे चलने लग गया था, इसलिए लेखक अपने साथियों से पिछड़कर रास्ता भटक गए थे। प्रश्न है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? उत्तर है, एक मंदिर में लेखक वहां के बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियां पढ़ रहे थे। वे पोथियों को पढ़ने में मग्न थे, इसलिए सुमति ने अपने यजमानों से मिलने जाने के बारे में पूछा तो लेखक ने उन्हें हाँ कर दी। प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहली कठिनाई है, उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें भिखमंगे के रूप में यात्रा करनी पड़ी। दूसरी कठिनाई जो आई वो थी, चोरी के डर से भिखमंगों को वहाँ के लोग घर में नहीं घुसने देते थे। इसी कारण लेखक को भी ठहरने के स्थान को लेकर कठिनाई का सामना करना पड़ा। तीसरी कठिनाई थी, डांडा थोंगला जैसी खतरनाक जगह को पार करना पड़ा। चौथी कठिनाई थी, लंकोर का रास्ता तय करते समय वो रास्ता भटक गए थे और अपने साथियों से बिछड़ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था। उत्तर है, उस समय तिब्बती समाज में जाति पाति छुआछूत नहीं था। औरतों के लिए पर्दा प्रथा का प्रचलन भी नहीं था। अपरिचित व्यक्ति को वे अपने घर में आने दे सकते थे, परंतु चोरी के भय से किसी भिखमंगे को घर में नहीं घुसने देते थे। वहां आतिथ्य सत्कार अच्छे से किया जाता था। प्रश्न है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए विकल्पों में से कौन सा वाक्य इस अर्थ को बताता है? इसका अर्थ है कि लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया। प्रश्न है, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। सुमति व्यवहार कुशल थे, उनका व्यवहार मित्रतापूर्ण था। वे जहां भी जाते थे मित्र बना लेते थे, अलग अलग स्थानों पर घूमते थे।